श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। द्वैत में भोग होता है, अद्वैत में योग होता है। दूसरे के बिना भोग नहीं हो सकता, एक के बिना योग नहीं हो सकता। एक का देखना मोक्ष है। तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। एक देखने से मोक्ष होता है, शोक मोह भय की निवृत्ति होती है। दूसरा देखने से सुख या दुख होता है। दूसरे से या तो सुख होगा या दुख होगा। सुख भी भोग है, दुख भी भोग है। सुख पसंद वाला भोग है, दुख ना पसंद वाला भोग है। पर द्वैत में हम भोगने में मजबूर हैं। न चाहने पर भी दुख भोगना पड़ता है, चाहने पर भी कभी कभी सुख से वंचित होना पड़ता है। अपने बेटे से कभी सुख नहीं मिलता, पत्नी से कभी सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। पति से भी कभी सुख के बजाय दुख मिलता है। नौकर चाकर से भी सुख के बजाय दुख मिलता है। अपने शरीर से भी कभी सुख के बजाय दुख मिलता है। आपको तो कभी नहीं मिलता शरीर से, आपको कभी कोई तकलीफ बोलो होती है? न चाहने पर भी तुम्हारा प्रिय देह, जिसको तुमने अपना मानना है, ये भी तुम्हें दुख देता है। कभी कभी तो इतना देता है कि शरीर छूट जाए तो अच्छा। बहुत बूढ़े हमसे आशीर्वाद मांगते हैं। अभी अभी हम बटाला थे, वहां भी एक यशपाल हमारे भक्त हैं, शिष्य हैं। उनकी मां करीब 5 साल से हमसे आशीर्वाद मांगती हैं। जब जाते हैं तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, आपका आशीर्वाद बेकार चला गया। वो यही चाहती हैं कि मैं चली जाऊं, शरीर छूट जाए। जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया, एक आध बार गिर गई तो लंगड़ाने भी लगी, चमड़ी हड्डी सिकुड़ गई, चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई, ऐसे करो तो अलग ऐसे। तो हमने कहा माता जी, पहले के लोगों के प्राण हड्डियों में होते थे, वो जल्दी निकलते नहीं। आजकल के प्राण मांस में हैं। ज्यादा हो गया तो भी निकल गए, कम हो गया तभी निकल जाते। तो लोग आशीर्वाद मांगते हैं। ये जब दुख देने लगता है तो प्रिय से भी नफरत होने लगती। आपको अपने बेटों से कभी, बेटियों से कभी नफरत नहीं होती? और तो छोड़ो, यदि गुरु भी दूसरा है तो कभी कभी उनसे भी खींच आ जाती हो। अश्रद्धा तो नहीं हुई पे कभी कभी हमको भी गुरुदेव ने जब पिटाई की, हाँ, तो उस समय तो मन पर, चूंकि पिटाई हमारे भले के लिए थी, बाद में मन मान जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप शरीर भी नहीं जल्दी छोड़ते। हमने गुरु नहीं छोड़ा पीटने के बाद भी, पीटते रहे पर गुरु नहीं छोड़ा।
क्योंकि अपने तो हैं। ऐसे ही आप दुखी होते हो, बीमार होते हो, शरीर छोड़ने को राजी होते हो, दुख भी देता है पर क्या करें, छोड़ा भी। ब्रह्म चेतना कभी कभी एक उदाहरण देती थी कि एक के दो लड़के थे, जब पिता रिटायर्ड हो गया तो 500 उन दिनों मिलते थे पिताजी को, क्या बोलते हैं उसे, पेंशन। तो दोनों बेटों की ताक रहती थी कौन सी तारीख पेंशन की है, वो बैंक से लौट भी ना पावे, रास्ते में ही कभी छोटा कभी बड़ा पहुंच जाए, हमें दो। पिताजी कहते भाई 200 तू ले ले, 200 वो ले ले, 100 मेरे लिए हो जाएंगे। तो कहते थे सब हमें दो, वो कहता सब हमें दो, और यहां तक कहते पैदा करने में तो आपको समझ आई नहीं, अब खर्च बर्दाश्त करने में आनाकानी करते हो, हमने कोई चिट्ठी लिखी थी कि हमें पैदा करो, कोई फोन किया था क्या, ऐसे ताने मारते। तो कहते एक संत ने कहा, जब संत से दुख रोना रोया, उसका रोना संत नहीं देख सके, तो कहते हैं कहा कि अरे भाई अब बूढ़े हो, तुम घर ही छोड़ दो, हरिद्वार रहो, 500 मिलेंगे, तुम खूब खाना, कभी कभी संतों को भी चाय आए पिला देना, मस्त रहोगे। तो कहते हैं सलाह तो बहुत अच्छी देते हो, बहुत अच्छा लगा, पर क्या करें, बेटों को छोड़कर उनके बिना रहा भी नहीं जाता, पिटते भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, मार भी खाते हैं, छोड़ा भी तो नहीं जाता। अब ये बात कोई लड़कों पे लागी होती है, कोई ऐसा आश्रम और चेले बनाने वाला जो कभी दुखी ना होता हो व्यवस्था से, लेकिन फिर छोड़ा तो नहीं जाता। ये दिल्ली के लड्डू खाए तो पछताए, न खाए तो पछता, इनके बिना भी नहीं रहा जाता और ये बर्दाश्त भी नहीं होते। अभी अभी देश की बात चल रही है, ये इंद्रियां भी इसी तरह हैं, इनको संसार के बुरे कर्म के बिना रहा भी नहीं जाता, उससे मिलने वाला अपमान रोग भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, जिनका स्तर है कुलीन है उनको गिर जाने का बदनामी का डर है। अब कुत्ता गधा घोड़ा थोड़ी बदनामी को डरते हैं, बदनामी भी उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। तो क्या है कि कभी कभी किसी किसी को अपना स्तर नहीं, तो कुले च्युत भयम, जिसका प्रतिष्ठा है समाज में वो ज्यादा डरता है बदनामी को। बदनामी तो प्रतिष्ठित की होती है, जिनकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं वो चाहे कुछ करते रहते। भोगे रोग भयम, कोई सुख भोग ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं, ऐसा कोई भोग नहीं है जिसके पीछे दुख ना हो और रोग ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही संस्पर्श सजा भोगा दुख यो नई एवते आद्यंतवंत कौंतेय न ते सुरम ते बुध। ये संसार के सुख थोड़ी देर में चले जाते हैं, चले जाना भी तो दुख है। अच्छा बेटा होना अच्छा है या नहीं, बोलो बोलो, अच्छा है, फिर मर जाना, तो तुमने कोई अमर बेटा पैदा किया है। यदि नाशवान प्रिय हो तो दुख ही देगा, न रहने वाला पुत्र सुखदाई नहीं होता। जहां बसते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है, जिनके घर थालियां बाजे बजते हैं रोना स्वामी परमानंद के यहां होगा। खुशियां तुम मनाओ स्यापा हम करेंगे, जो खुशियां मनाएगा वही छाती कूटेगा।
हम भी दिखाने को मुंह लटकाने पहुंच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जो बोएगा वही काटेगा। या तो पहले ही सोच के बो कि मरने वाला लड़का पैदा होगा, अविनाशी तो भगवान ने भी नहीं पैदा किया, तुम क्या पैदा करोगे? भगवान का पुत्र कोई अविनाशी नहीं, तो तुम्हारे बनाए हुए खिलौने गुड्डा गुड़िया ये अविनाशी हो जाएंगे। भगवान की बनाई हुई सृष्टि परिवर्तनशील है, तो तुम्हारा बेटा वैसे ही बना रहेगा। बार बार लोग बड़े प्यार मोह से आते हैं, मोह वालों को अकल नहीं देती, जो नहीं हो सकता वो भी वरदान मांगते। आके कहेंगे स्वामी जी इसके सिर पर, ये भी कहेंगी ये स्वामी जी मेरा नाती है, इसके सिर पर हाथ रख दो। अब बताओ तुम्हारा नाती है तो सिर पे हाथ रख दे, दूसरे का हो तो उनका तो तुम्हारी मर्जी, पर कम से कम हमारे बेटे के लिए तो हमारी मर्जी से रखो। अब तुम्हारा बेटा ही स्पेशल है, खास है, औरों का तो कुछ है ही नहीं। तो कितने के बेटे अपन बचाते रहेंगे, कितने के सिर पर हाथ रखते रहेंगे? तुम तैयार क्यों नहीं हो, राजी क्यों नहीं हो? इतनी अकल नहीं है कि जो पैदा होगा वो बढ़ेगा, फिर बूढ़ा होने लगेगा, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सब जितने स्थूल शरीर हैं, स्थूल जो भौतिक देह हैं, एक नियम है, चाहे बाबू हो चाहे बाबा हो। बाबाओं को कोई भगवान प्रकृति का नियम रियायत करता है क्या? जब हम देखते हैं बड़े बड़े लोग, क्या बताएं, देवरावा बाबा, खैर कुछ तो उम्र, कुछ बनाई रामदास, कुछ बनाई भक्तन, कुछ लोग गप्पी और बढ़ा लेते हैं, कहीं गप्पी को ना समझ लेना, बहुत लोग गप्पी बढ़ा बढ़ा के उम्र बताते, पर फिर भी देवरावा बाबा हम सामान्य लोगों से ज्यादा उम्र के थे, इसमें दो राय नहीं, पर नहीं रहे, क्या हो गया होगा? प्रकृति का नियम है। लोग सोचते हैं साधुओं का बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। हमारे गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी, नाम के नहीं, सचमुच जिनका जीवन हम लोगों ने देखा, पर बूढ़े हुए। ये जितने भी शरीर हैं, इसलिए छह विकार, जन्म, वृद्धि, परिवर्तन और अपक्षय, रोग और मृत्यु, ये तो होते ही होते, कुछ भी कर लो, जब जब देह में आओगे ये होगा। बर्दाश्त होवे तो आया करो, यदि बर्दाश्त नहीं है तो मोक्ष का उपाय करो। और फिर किसी में तो इतना ही होगा, किसी में लड़के पति इतने दुष्ट निकलते हैं कि जब उनके घर की बात सुनते हैं तो हम इतने बड़े ज्ञानी अपने को मानते हैं, देखो मंच से कह रहे हैं, पर जिस परिस्थिति में वो जब हम सुनते देखते हैं तो लगता है यहां होते तो हम भी हार गए होते। ऐसे दुष्ट पति मिल जाते हैं, ऐसी दुष्ट स्त्रियां मिल जाती हैं। ये मत समझना कि स्त्रियां सब देवियां ही होती हैं, राक्षसी भी होती हैं। और देवताओं का तो कहना ही क्या है, इनमें तो देवता कम ही होते हैं, राक्षस ही ज्यादा होते हैं। बुरा नहीं मानना, कभी कभी लगता है तुमको बधाई दे कि इनको झेल लेते हो, ऐसे शैतानों को झेलती हो, भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ा दिल दिया है, सब भूल जाती हो। एक माता यहां मुस्करा रही है, गजेंद्र की श्रीमती, आजकल गजेंद्र देवता हो गए, पर पहले को तो यही जानती हैं कैसे रहे, वो खुद भी बताते। हाँ, अरे इससे बेइज्जती मत समझो, कथा सुनो। हाँ,
कथा सुनो, अपने अंदर झांको। उदाहरण तो हम अपने प्रिय लोगों का दे देते हैं क्योंकि वो बुरा नहीं मानते, किसी और का दे दे तो रास्ते में लठ लेके मिल जाएगा, इसलिए उनका नहीं देते। उदाहरण भी अपनों का, प्रिय लोगों का देते हैं कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अब फिर पहले ऐसे थे, आज देवता बन गए, इसमें कौन सी बुरी बात? पहले जन्मों में हम क्या रहे होंगे, तुम क्या रहे होंगे? यदि इस जन्म में भी अच्छे हो गए तो बधाई है। पहले तुम शैतान थे, आज देवता बन गए, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान पहले बदमाश रहा, यदि अभी रास्ते में आ जाए तो हम सब भारतीय खुशी हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बुरा आदमी अच्छा हो जाए तो कोई बुराई है, बल्कि ये बधाई के पात्र हैं जो बुरे लोग सुधर जाएं। पर फिर भी कुछ भी कर लो, शरीर में आओगे, शरीर में आओगे तो थोड़ी बहुत, इसीलिए कबीर साहब के साथ बहुत कहानियां जुड़ी हुई हैं। कबीर साहब चलती चक्की देख के रोने लगे, और जब आदमी दुखी होता है, प्रेम में आता है, तो ऐसे पत्र लिखता है। इतना साहित्यकार नहीं लिख सकता जितना दुखी आदमी, प्रेमी आदमी लिखता है। उनके शब्दों में पता नहीं कहां से जान आ जाती। एक आध प्रेमियों ने हमें भी पत्र लिखा, उस समय समझ नहीं आया, जब पत्रिका निकली तो लगा उसका पत्र छापे, तो उसको फोन करके कहा वैसे ही पत्र लिखो, नहीं लिख पाया। अब योग्यता चाहिए, भाव के समय योग्यता नहीं लगती, अपने आप भाव मरते। तो दुखी आदमी भी कुछ लिख देता है। जब आदमी दुखी होता है तो ऐसे 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 शब्द निकलते हैं, इतनी निंदा सूझ जाती है। जब तुम दुखी हो ना, उस समय की सारी बातें लिखे तो सारी गलतियां पति की होंगी, एक और तुम्हारी नहीं होगी। और ये कोई आज तक हमें नहीं मिला कि दिल से कहे मेरे में भी बहुत कमियां हैं, सारी कमियां दूसरे की होती और दिखती। यदि तुम स्वप्न में देखो, स्वामी जी ने हमें डांटा, अब देखो स्वप्न में तुम्हें हमने डांटा, हम तो थे ही नहीं, सपना तुम्हारा था, तुम्हारे बनाए स्वामी जी थे, तुम्हारी ने बना के डांट खा ली, हमारा वहां क्या है? तुम्हारी ही अपनी मनोदशा ने स्वामी जी से डांट खा ली, अपनी ही वासना से दूसरा प्रिय लगने लगता है, जिसमें सुंदरता का लेश नहीं, यदि प्यार हो जाए तब वाह विश्व सुंदरी वही लगती। और फिर यदि तुम्हारा प्यार हो जाए तो कई नखरे भी बहुत करते। इसीलिए किसी ने कहा गर्गधी के कान में, औरत छोड़ो स्त्री छोड़ो, गर्गधी के कान में कह दूं कि तुझ पर हूं फिदा। तो लेखक कहता है यकी कामिल की वो भी घास खाना छोड़ दे, वो घास नहीं खाएगी, वो नखरे करेगी, कहेंगे अशोका होटल ले चलो। हाँ, गधी भी रोड की घास नहीं चरेगी। ये मनुष्य की खोपड़ी है, सुख दुख रचती है, दुख सुख भगवान ने नहीं रचा, और शरीर भी भगवान नहीं रचते, किसान वृक्ष नहीं रचता, उसके भीतर छिपा हुआ बीज ही वृक्ष बन के निकलता है। ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे कर्मों के बीज से पैदा हुआ है, ये रोग दोष जो आते हैं तुम्ही ने बीजे, जो भी कुछ अच्छा बिला मिला है वो तुम्हारे कर्मों का है। काहू न को, ये रोज हम रामायण पढ़ते हैं, हमारे नहीं धंसती, तुम्हारे क्या धंसे, नहीं धंसती। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लगता है कि हम इनसे दुखी हैं, वो क्यों मिला तुम्हें, क्यों मिला तुम्हें, इतनी दुनिया में सब क्यों नहीं मिले, एक से एक अच्छे हैं वो क्यों नहीं मिले, यही क्यों मिला, यही पुत्र तुम्हारे पेट में क्यों पैदा हुआ, यही नौकर क्यों मिला, ये रोगी ही शरीर क्यों मिला, तुम्हारे ही लगातार कोई ना कोई झंझट क्यों आती है,
कभी पूछा। इसीलिए यहां कीर्तन पहले तो सबसे पहले मैंने कहीं सुना तो ब्रह्मचेतना को बताया, उसने याद करा। अब बहुत लोग गाते हैं, हमने भी कहीं तो सुना था, हमने तो न बनाया न गाया, न हमें गाना आता है, पर कोई गीत पसंद आता है तो कह देते भाई ये सीख लो गाओ। क्या एक झोली में, हाँ कोई नहीं है जिसे याद ना हो। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई बिना कारण है कांटे। जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारा किया हुआ मिला है। जिस गाय का बछड़ा होता है छूटने पर दौड़कर वो अपनी माँ के पास जाता है दूध पीने, और दूधे पीने वाले बछड़े नहीं है, तुम्हारे कर्म के पैदा किए हुए बछड़े तुम्हारा खून पीने भी आते हैं, तुम्हें पैदा किया है वही आते हैं, कौन आएगा। और आज कर्म करते समय लोगों को समझ नहीं आता, कर्म के बीज जब बो रहे हो तब ख्याल नहीं आता कि हम बबूल के बीज बो रहे, हमारे ही पैर पर चुभेंगे। कर्म करते समय व्यक्ति नशे में कामनाओं में अंधा हो जाता। अभी चरित्र की बात सुन रहे थे सूचना में कि देश को अच्छी बात बतानी चाहिए, असल में हमारी भी गलती है, हम सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म बताते रहे, इसके लिए लोग पात्र नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की पात्रता तो बहुत सदाचारी आदमी में होती है, वासनाओं से जो ऊपर उठता है, जिसे कल्याण की इच्छा होती है, कमियां भी हैं पर वो चाहता है इससे छुटकारा हो जाए। एक नशेड़ी आदमी नशा से छूटना चाहता है तो बधाई के पात्र, उसे सहयोग मिले छोड़ देगा, पर एक आदमी छोड़ने को ही तैयार नहीं, 100 दलीलें उसके हक में देता है, अपने काम की पुष्टि करता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है, वकील का मतलब होता है जिसका केस लेता है उसको जिताने के लिए जी जान लगाता है, केस चाहे 16 आना गलत होवे, वो अपराधी होवे, लेकिन उसे बचाने की कोशिश करता है, तो जिसका वकील उसके हक में। ये बुद्धि तुम्हारी है, गड़बड़ तुम हो तो तुम्हारी गड़बड़ी को तुम्हारी बुद्धि कैसे मानेगी। और तो छोड़ो, भगवान कृष्ण ने बड़ा व्यंग किया है यशोदा पर, व्यंग किया, कभी तुम्हारे दो बच्चे लड़बड़ जाएं तो गलती किसकी लगती है, तुम्हारे बच्चे की कि दूसरे के बच्चे की, झूठ नहीं बोलना मंच पर यहां। हाँ, हमेशा अपना बेटा बड़ा अच्छा, दूसरे के बेटे ही गलती करते। कृष्ण भगवान ने व्यंग किया, मैया मैंने ही माखन खायो, सभी बेटे अपने माँ से ऐसे कहते हैं, माता हमने नहीं किया। झूठ बोलना कोई भगवान का अकेले काम नहीं है, झूठ बोलना तो हम जन्म से लेके आए हैं, ऐसा मत समझना कि हम झूठ नहीं बोलते, सब लोग जानते हैं, यही विद्या है जो हम पढ़ के आए हैं, बाकी तो सब पढ़ाना पड़ता है। मैया मैंने ही माखन खायो, मैंने नहीं खाया, तो फिर बाकी लंबी कथा आपको मालूम है, क्या क्या दलीलें दी। पहले तो ये, मैया मैंने ही माखन खाए, मैं बालक बहियन को छोटो, मेरे छोटे छोटे हाथ शीक, वो बर्तन वहां है ठीको कहीं भी दिपायो, मैया मैंने ही माखन खाए, वकील की ऐसी तैसी। तुम समझते हो वकील ही वकालत करता है, हर बच्चा वकील है, अपने माँ बाप को इतना बच्चे गुमराह करते हैं इनको पता ही नहीं। एक को हमने कहा ये लड़की शादी कर लेगी, नंगल की बात है, उन्होंने कहा नहीं हमारी बेटी ऐसी नहीं है, और दो दिन में कोर्ट मैरिज हो गई। असल में लोग अपने बच्चों की दलीलें सुनते, दलीलें तो सब अच्छी दे लेते, जितने बदमाश हैं यदि इनके बयानों से छूटते होते ना तो सब छूट जाते हो, तो पुलिस वाले मार मार के सब कहलवा लेते। इसलिए पहला तर्क दिया मैं छोटा हूं, अब फिर कहते भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो,
तुमने जंगल भेज दिया गाय चराने, दिन भर मैं वहां रहा, सांझ पहर घर आयो, मैंने कब खाया, मुझे समय मिला? दिन भर बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं, हम कब गए इधर उधर? हाँ, हम जानते हैं कि उधर उधर नहीं जा सकते, सब कृष्ण ही भगवान तो हो। पर भगवान का जीवन लीला है। पर यहां दिल्ली वाले में एक स्कूटर में लिखा था, स्कूटर वाले ने, ये कम थोड़ी है, वो हमने स्टेशन से उतर के देखा, कैन भगवान करें तो लीला, हम करें तो छेड़छाड़, भगवान करें तो लीला। अब लिखने वाले हैं, सबकी खोपड़ी है, पर हम लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ना स्वार्थ है, न काम है, ना अहंकार है, विशुद्ध मुक्त पुरुष मुक्त हैं। वो तुमको प्रेरणा देते हैं राष्ट्रहित की, समाज हित की। खैर, तो दूसरी दलील दे ली, जो देना है मैं बताने वाला हूं। फिर उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुमने खाया है, तुम्हारे मुंह में तो लगा है ये, अब क्या करें? अब देखो, मुख में लगा है तब भी क्या कहते हैं, ढंग देखिए, कहते ग्वाल बाल सब बैर परे, ये मेरे से चिढ़ते हैं, मेरे पिटवाने के लिए इन्होंने मेरे मुंह पे लगा दिया कि मेरे को डांट पड़ जाए। ग्वाल बाल सब बैर परे, बरबस मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, तब भी मां नहीं मानती। तो अंत कहते मैं जान गया, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तेरा बेटा होता तो तू कभी भी मेरे विपरीत नहीं सोचती, उनकी नहीं मानती, मेरी मानती, और तू उनकी शिकायत तो सुनती है, मैं जो कह रहा हूं मेरी नहीं सुनाई पड़ती तेरे को, इसलिए कि मैं तेरा पुत्र, क्योंकि पुत्र मां हमेशा बेटे के हक में सोचती। ये भाव क्या था, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे चाहे बुरे हो अच्छे, तुम्हें हमेशा कहती है अरे तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम्हारे हक में गए, तुम पाप भी करते हो तो पाप नहीं है, तुम्हारा तो वकील, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे हक में वकालत करती है, इसलिए कभी किसी दूसरे से पूछो। यदि अपनी जिंदगी के विषय में पूछना है तो किसी और से भी पूछो, तुम कितने महान हो। और ये भी बताऊं, यदि किसी से प्रमाण पत्र लेना हो तो आप तकाम पुरुषों की वाणी प्रमाण होती है। हम गुरुवाणी को क्यों प्रमाण मानते हैं, उपनिषद को क्यों प्रमाण मानते हैं? जिनमें भय लालच स्वार्थ नहीं होता उनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है। स्वार्थी आदमी तो स्वार्थ के लिए चमचागिरी करता है, डर के कारण बयान नहीं देता, सच नहीं बोलता, कोई न कोई कमजोरी के कारण उसकी वाणी प्रमाण नहीं होती। वो बुरा नहीं है, कई लोग नहीं झूठ बोलना चाहते, बोलना पड़ता। तुम्हारे बच्चे भी सामाजिक मान्यताओं के कारण झूठ बोलते, विदेशी नहीं बोलते। यहां ये बैठी हुई हैं, मैं हिंदी में बोलूंगा नहीं, ये समझ जाएंगे, समझ, हिंदी में बोलूंगा। ये जो सहेली सहेली है, इन्होंने युवा सिटी में मेरे से दीक्षा ली। कितने ईमानदार हैं लोग, कितने सच्चे और भोले हैं, इस विषय में बड़े सरल हैं। इन्होंने दीक्षा ली, फिर मेरे से दीक्षा के बाद पूछती हैं काम के विषय में, इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, काम के विषय में क्या आज्ञा है? तो मैंने कहा थोड़ा ठीक है, अधिक ठीक नहीं है। तो ट्रांसलेशन करने वाले ने ये कह दिया कि बिल्कुल मना है। इन्होंने फोन करके अपनी सहेली पेरी जो यहां आती उसको फोन में पूछा कि स्वामी जी ने तो इसको मना किया है, तो उसने हमें फोन किया कि आपने मना किया है।
हमने कहा नहीं, हम ऐसा तो मना नहीं करते, क्योंकि प्रकृति है उसके दिशा कल्याण भर के लिए बात करते हैं। तो वो कहती क्या है दावे से, देखो एक विदेशी किसी के लिए दावा करती है। कहने लगे आपने कहा होगा वो झूठ नहीं बोल सकते, हम अपने चेलों का भरोसा नहीं कर सकते, पर वो इसका भरोसा करती कि वो झूठ नहीं बोले। ये जरा ध्यान रखना। तो फिर मैंने कहा भाई मैं भी झूठ क्यों बोलूंगा, वो नहीं झूठ बोलती, हम भी झूठ नहीं बोलते, तो जानते हो। फिर मुझे ख्याल आया कि जब मैं दीक्षा देता हूं तो कोई ट्रांसलेटर जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेशन किसने किया। तो अभी यहां आई हुई हैं, बधवा जी की पड़ोसिन रही हैं, तो उनके बेटे ने कहा मेरी माँ ने ट्रांसलेशन किया होगा और मेरी माँ को पसंद नहीं है काम, इसलिए सबको मना करती। बात समझ में आई? जो आदमी दूध नहीं पीता दूध नहीं पीना चाहिए, जो पैसा नहीं छूता वो कहेगा पैसा नहीं छूना चाहिए, जो आदमी शादी नहीं करता वो कहेगा शादी नहीं करनी चाहिए सबको। बाबा हमारे परम जो हैं, कोई व्यक्ति मिल जाए यदि इनके कहे पे चले तो बिना बाबा बनाए नहीं छोड़े, इन्हें बहुत शौक है साधु बनाने का। और मैं तो बना के डरने लगा, हे भगवान साधु न बनाना पड़े और सब ठीक है, बड़ा खतरनाक। बनता कौन है? साधु बनना चाहता कौन है? मुक्ति कौन चाहता? मुक्ति के लिए तैयार कौन है? सब आशीर्वाद और संसार मांगते हैं, भगवान कोई मांगते ही नहीं। मंदिर में जाओ तो, संतों के पास जाओ तो संसार मांगते। और फिर बता दूं, बड़े बड़े संतों ने कहानियां बताई हैं, कुत्ते का, गधे का, घोड़े का, सुअर का, सांप का, बिच्छू का, सबका गुजारा होता है, कोई भूखा नहीं मरता, ये आदमी है जो मरा जा रहा है। सबका काम चलता है, भले वो करोड़पति नहीं हो गधा, पर चारा तो मिल ही जाता है। सबको रोटी मिल रही है, सबको कपड़ा मिल रहा है, पर बिना मतलब आदमी हाय हाय करता है, टेंशन में फंसा है। कौन दिन होगा जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि रोटी जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, बाकी सब वासना है। सृष्टि चलाने के लिए परमात्मा ने काम दिया है, काम दिया है, तुम्हारी गलती नहीं, काम दिया है, यह जन्मों जन्मों से तुम्हारी जरूरत है, तो भगवान ने जोड़ा बना दिया। काम दिया है संतान के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, बीज तो सृष्टि चलाने के लिए होता है, सही है, ये भोगने के लिए काम नहीं है। यदि भोगोगे तो मरोगे, भोगोगे तो तृप्त नहीं होगे, भोगोगे तो जन्मों जन्मों तक आते रहोगे और कभी भी मन भरेगा नहीं, कभी भी कामनाओं की पूर्ति से किसी का मन भरा नहीं। कभी ना कभी वैराग्य चाहिए, स्वर्ग भी क्या करोगे, क्या करोगे स्वर्ग, आखिर पदार्थों के अधीन होगे, जगहों के अधीन होगे, व्यक्तियों के अधीन होगे, स्वतंत्र नहीं होगे। यदि मुक्त होना है तो भले अभी रोटी के लिए मजबूर हैं, वासना न रहे, आत्मा का ज्ञान हो जाए तो आगे रोटी भी छूट जाएगी। जब शरीर छूट जाएगा, रोटी आप ही छूट जाएगी, कपड़ा आप ही छूट जाएगा, मकान की जरूरत खत्म हो जाएगी, नहीं छूटती वासना, वासना नहीं छूटती, वासना उपासना से और ब्रह्म ज्ञान अंतिम उपाय है। पर जो वासना से मुक्त होना चाहे, ब्रह्म ज्ञान जैसी सरल अच्छी कोई चीज नहीं। ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्तम उपाय है मनोनाश का, बल्कि वेदांत शास्त्र में शब्द ही ये कहा, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान मनोनाश वासना क्षय। ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान हो जाए, इससे मनोनाश हो जाता है और वासनाओं का क्षय हो जाता है। इतना जानते ही कि मैं ब्रह्म हूं,
अब ये शब्द अभी आम जनता के लिए बड़ा उल्टा सा है, जैसे कोई अपने को घड़ा है, वो घड़ा है। अब घड़े में थोड़ा मन भी होवे तो घड़ा है, मकान में रहता है घड़ा। अब घड़ा मकान में रहता है तो पहला तो घड़ा कहता है मैं मकान हूं। घड़ा मकान के अंदर है, वो जगता है तो मकान को मैं कहता है, और स्वप्नों में भी घड़ा मकान बन जाता है, स्वप्नों में बन जाता है, और पड़ोसी से तुलना करता है, पड़ोसी से लड़ता है, प्रेम करता है। और यदि घड़ा अपने को मकान न समझे, घड़ा अपने को मिट्टी समझे। अब देखो, यदि घड़े को यह पता चल जाए मैं मिट्टी हूं तो घड़ा है ही कुछ नहीं, फिर मकान भी क्या, उसमें भी मिट्टी है। केवल मन में ही ब्रह्म नहीं रहता, माने साक्षी केवल मन में ही नहीं रहता, साक्षी व्यापक है, पर बुद्धि में बुद्धि साक्षी, अंतःकरण का साक्षी, अर्थात मिट्टी जब भी पहले मिलेगी घड़े में मिलेगी, मकान में और दुनिया में बाद में मिलेगी। इसी तरह परमात्मा जब मिलेगा आपको अंतःकरण में मिलेगा, अंतःकरण में साक्षी के रूप से मिलेगा। पर साक्षी जैसे यहां इस मन उपाधि, बुद्धि उपाधि और अहंकार का आश्रय और प्रकाशक है, साक्षी आश्रय भी है प्रकाशक भी है, तो ये अंतःकरण में अकेला नहीं है, सब में ये है। सब अंतःकरणों में ही नहीं, सारे जड़ पदार्थ पेड़ पहाड़ में भी ब्रह्म रहता है। तो जो यहां रहता है यही सर्वत्र रहता है, जो सर्वत्र रहता है वही यहां रहता है। ये जिस दिन अनुभव करोगे सर्वत्र मैं हूं, मैं माने देह नहीं, देह में भी मैं हूं, इंद्रियों में भी मैं हूं, मन में भी हूं, यहां तक मैं ख्याल जो उठता है, इस मैं के ख्याल में भी चेतन है। बिना चेतन के मैं हूं का ख्याल जीवित, जरा ध्यान रखना, ये मैं हूं का ख्याल, मैं हूं अहंकार, ये जिंदा, ये जीवित, ये होश में है, इसके पीछे चेतन है, आत्मा है। बिना आत्मा के न कोई सत्य हो सकता है, न चेतन हो सकता है, न आनंद हो सकता है। यदि ये दुनिया दिखती है कि है, यदि घड़े को मकान लगता है या कोई और पहाड़ लगता है कि है, भले इस घड़े को मकान है लगता है, पर यदि समझ आएगी तो मकान का है पना और घड़े का मैं पना, मन है वहां मैं पना, शरीर संसार है वहां है पना, देख लेना। मन ना हो, मन अभी सो जाए तो ये फिर मैं नहीं है, मैं पना मन के कारण है, और जहां मन है वही मैं पना है। आंख में है तो मैं आंख, मैं कान, मन नहीं तो जहां मन नहीं वही है तो हो सकता है, जैसे तुम यहां हो तो पंडाल है कि पंडाल मैं, बोलो कोई जमीन को मैं बोला, क्यों नहीं बोला? मैं मन में होता है, मन जहां होता है उसे भी मैं कह चलते हो। मैं पना मन के कारण है और है पना बिना मन का, है पना मन के द्वारा दिखता तो है, पर वो है पना का आश्रय, जैसे घड़े का मैं पना और दीवाल आदि का है पना, दीवाल का है पना भी उसी के आश्रित है जिसके आश्रित घड़े का मैं पना, जिसके कारण, फिर समझो, जिसके कारण मैं जिंदा है, मैं उसी के कारण है जिंदा है, और मैं का अधिष्ठान है और मैं का आश्रय एक है। इसलिए परमात्मा सिर्फ वही नहीं है जहां मन है, परमात्मा वहां भी है जहां कोई मैं नहीं है, दीवाले हैं, पहाड़ है, जमीन है, आसमान है, वहां भी है। परमात्मा के बिना कोई वस्तु खाली नहीं है। तो जो परमात्मा यहां, जो मन में परमात्मा साक्षी कहलाता है, यही साक्षी सब में परमात्मा कहलाता है।
परमात्मा और साक्षी में कोई दूरी नहीं, भिन्नता नहीं है, पर मन के कारण आभास बनकर लगता है जैसे मैं केवल यही हूं। यदि मिट्टी सब में है पर मिट्टी कभी नहीं सोचेगी कि मैं मकान में हूं, हां घड़े में सोचेगी मैं हूं। जैसे तुम मन न हो तो देह में नहीं सोचते कि मैं पड़ी हूं कि बैठी हूं कि लेटी हूं कि मोटा हूं। बिना मन के कोई सोच के दिखा दे, मन को सुला दे, फिर तुम पड़े देख लो, बैठे देख लो। ये जो तुम्हें है नजर आता है वो मन के कारण, और मैं मन के कारण पहले मैं पैदा हो गया फिर यह और मैं, यह भी उसी के सहारे है, यह और ये मैं भी मन भी उसी के सहारे। इसलिए जीवों का और जगत का आश्रय एक है, और तुम ये मन और शरीर नहीं हो, तुम मन और संसार के आश्रय हो। यह है वेदांत, पर यह सिर्फ अभी समझना ही नहीं, ध्यान करना है। अभी ध्यान करोगे हम बैठे हैं, फिर ध्यान करो नहीं हम बैठे नहीं, देह को देखते हैं जानते हैं, फिर जगोगे सोगे, फिर कहो ये जगना मन के कारण है, सोना मन के कारण है, मैं सोने जगने वाले मन में हूं, बिना मेरे मन न जग सकता है न सो सकता है। समझने के लिए जैसे एक बुलबुला है पानी का, अब बुलबुला है तो बुलबुला है, तो पानी ये भी सोच सकता है मैं बुलबुला हूं, पानी ये भी सोच सकता है मैं बुलबुले में तो हूं, पर बुलबुला नाशवान है, मैं सदा रहने वाला हूं, क्या ये गलत है? ऐसे ही मन सदा रहने वाला नहीं, जगना सदा रहने वाला नहीं, सोना सदा रहने वाला नहीं। यदि रहता हो तो बताओ, यदि आपका जगना आपका सोना कोई परमानेंट हो, चलो जगने में तो मेहनत है, सो जाओ, सोना परमानेंट बना लो, इतना आसान है सोना, है ना? नींद इतनी सरल है, कभी भी आती रहती, पर यदि आ जाए तो बनी क्यों नहीं रहती? यदि नींद बनी रहती, हाँ नींद चाहे जितनी लंबी हो जाए, बेखबरी लंबी हो जाए, मौत लंबी हो जाए, जैसा कि मैं बताता हूं, मुसलमान मानते हैं कि शरीर छूटने के बाद, मृत्यु के बाद रूह वो कब्र में सोई रहती है। कितने दिन? दो चार वर्ष। जब तक महाप्रलय न होगी तब तक वो सोई रहेगी। खुदाबंद करीम वह परमात्मा उस रूह को जगाएगा। अभी भी तुम सोए होते हो, सोए समय तुम्हें तो पता ही नहीं होता कि उठना है। अच्छा ये बताओ, कहीं जाना है जल्दी उठना है, ये जगने के बाद ख्याल आता है कि सोने में आ जाता है? कभी देख लो, सोए हो, बीच बीच नींद खुलती है, सबकी खुलती है, पर जब नींद अपने आप, नींद हम नहीं खोलते, नींद खुल जाती है, तब हमको ख्याल आ जाता है अरे जाना है, 3 बज गए हैं, ये हो गया है। ये जगने के बाद सारे ख्याल आते हैं, पर जगने का ख्याल नहीं होते जगते हो, बिना ख्याल के तुम जग जाते हो। कोई भीतर बैठा है, जैसे बीज को उगने की अकल भी ना हो, नमी पा जाए उग जाएगा, उसके हाथ में थोड़ी है कि उगना, उगना नेचुरल है। इसी तरह जगना सोना बूढ़ा होना नींद आ जाना ये सब नेचुरल है, स्वाभाविक है, पर इस सब के पीछे ये तो प्रकृति के धर्म है। परमात्मा का स्वभाव क्या है? अव्यय, अव्यय, कभी समाप्त न होना, कभी जड़ न होना, कभी जड़ नहीं होता, ये तो सब अंतःकरण प्रकृति के माया के मुधा भेद यद्यपि कृत माया, मैं और मोर तोर तय माया, माया मात्रम इदम द्वैतम, ये जितना द्वैत है, द्वैत माने हम तुम यह वह, जितना ध्यान में भी मैं और रोशनी, जहां भी द्वैत है ये सब माया मात्र है। मैं यह
जितना भी है, यहां तक कल्याण के लिए गुरु, कल्याण के लिए भगवान, मंदिर, ये भी द्वैत में है। एक दिन मैंने कहा द्वैत में ही भक्ति है और द्वैत में ही भोग है। भक्ति मुक्ति के लिए है और द्वैत कहीं भोग के लिए। इसलिए भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। यदि भगवान की भक्ति के लिए दूसरा खड़ा किया जाए, मंदिर बनाया जाए, गुरु खड़े किए जाए, ये जो द्वैत है ये आपकी भक्ति के लिए अद्वैत से भी अच्छा है, क्योंकि अद्वैत में भक्ति भी नहीं रह सकती, किसकी भक्ति करोगे। इसलिए कल्याण के साधक को भोग परक द्वैत के बजाय योग परक द्वैत, जो मेरे कल्याण का साधन हो, ऐसा दूसरा ना खड़ा हो तो खड़ा करो। एक किसी चिंतक ने कहा था कि यदि भगवान ना भी होवे तो खोजना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, इमेजिनेशन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ख्याल ही हमें तार सकता है। इसी तरह से, इसी तरह और समझो गहरा, यदि कोई बहन ना हो, माँ भी न रही हो, मर गई हो, तो भी माँ बनाना चाहिए, बहन बनाना चाहिए, इसके अपने लाभ हैं। द्वैत तो स्त्री है लेकिन द्वैत बहन भी है, पर बहन का संस्कार यदि हो, हाँ, ये संस्कार धीरे धीरे भारत के लुप्त तो हो रहे हैं। अधिकार बुद्धि खत्म हो गई, कर्तव्य और अधिकार, इसको जरा समझो, ये गहरा विषय है, इसको जरूर ध्यान दो। बहन, माँ, मौसी, नानी, भाई, पिता, ये हमारे को धर्म ने दिया है, बनाया है कल्याण के लिए, हिंदू बनने के लिए आवश्यक है। वो हिंदू नहीं जिसके माँ बहन भाई के रिश्ते ना हो, गुरु शिष्य ना हो, देवी देवता ना हो, कोई मान्यता ना हो, वो हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब यो तो मनुष्य है, मनुष्य तो और भी हैं जो हिंदू नहीं है, उनकी मान्यताएं हमारी जैसी नहीं है, थोड़ी भिन्न है। यद्यपि मैं अमेरिका गया तो वहां जूश, वो एक संप्रदाय है अमेरिका में, बहुत है, उनकी भी मान्यताएं बहुत सारी हिंदुओं से मिलती हैं। वो बिना विवाह के संबंध अच्छा नहीं मानते। मुझे लगता है मुसलमान भी बिना विवाह के संबंध अच्छा नहीं मानते, ईसाई भी बिना विवाह के संबंध अच्छा नहीं मानते, उसको व्यभिचार बोलते, अनमैरिड स्थिति में। लेकिन ये सारे संसार की मान्यताएं हमने पढ़ाई लिखाई और अपने तर्कों से छोड़ दी। यदि भाई बहन मानकर जीते तो क्या मर जाते? अपने धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, आगे बोलो, रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। पर हम पढ़ते नहीं तो क्या सिखाएगी? मैं कितने बार समझाता हूं कि हम अपने बैलों को, गायों को बांधते हैं, बकरियों को चराते भी हैं, बांधते भी हैं, तो बांधकर भूखे नहीं रखते, उनको चारा डालते। बांधने का प्रयोजन भूखे नहीं रखना, ये जो ब्याह है ये भी बांधना ही है, खूंटे में बांध दिया, बस ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पति है। एक छोटे से धर्म को स्वीकार करो, भूल गए सब, पिता के पैर छूना, गुरुओं को सम्मानित करना, ये हमारा धर्म है। हम लोग धर्म को भूले जा रहे हैं। आवश्यकता है हमारे घर धर्म आश्रम की तरह हो। हम सुबह उठे, माता पिता को प्रणाम करें, क्या हो जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा। मंदिर में जाएं, दर्शन करें। तभी मैं कहता हूं कभी कभी बहुत ऊंची बातें भी आदमी को रास नहीं आती,
बहुत ऊंची बातों का लाभ समाज नहीं लेता। इसलिए पहले धर्म, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मुक्ति चाहिए तो पहले धर्मात्मा बनो। कई लोग कहते हैं पहले धर्मात्मा बनो, फिर महात्मा बनो, फिर परमात्मा बनो। पहले धर्मात्मा, फिर महात्मा, फिर परमात्मा। धर्मात्मा नहीं बने, महात्मा नहीं बने, सीधा जानवरों को परमात्मा बना दो, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप अपने जीवन को एक रास्ते से चलाओ, सीखो। और मन की मत करो, मन जो है कहीं किनारे नहीं ले जाता, मन तो तुमको डुबो देगा, कहीं गिरा देगा खड्डे में, और जीवन भर तुम दुखी रहोगे। हमारे गुरुदेव 100 वर्ष से ज्यादा के थे, हम तो 115 समझते रहे हैं, 115 के गुरुदेव थे, पर किताबों में 130 और 35 तक भी छपा है। खैर, थोड़ी बढ़ जाना साधुओं का स्वाभाविक है, भक्त लोग बढ़ाने में खुश रहते हैं। हम जब थोड़ा सा इंग्लिश रट वट के बोल देते थे ना, तो लोग कहते थे कलेक्टर रहे हैं। हाँ, और लोग ऐसे छापे कि वो एक दिन ये थे नहीं, एक फैसला था, तो जब ये लौटे तो फैसला लिखा था, तो इनको वैराग्य हो गया कि भगवान ने फैसला लिखा। ऐसी कहानियां जुड़ी हुई है। पर खैर, जिससे हमारा मन ऊंचा बने, प्रेरणा मिले, वो झूठ भी अच्छा है। यदि राख फायदा कर जाए तो दवा है, और दवा अच्छी है, फायदा न करे तो राख है। कई दवाइयां छोड़ देते हो, कई डॉक्टर छोड़ देते हो जो फायदा नहीं करती है, वो दवाइयां पर नहीं फायदा करती, तो तुम्हारे लिए राख। और राख दे दी जाए, फायदा हो जाए, तो दवा है। तो जो जो विश्वास तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाए, महान बनाए, अच्छा बनाए, शांति दे, भटकने से रोक ले, वो विश्वास अच्छे हैं। पर आजकल राजनीति के दलदल में धर्म निरपेक्षता के ढोंगी लोग धर्म विहीन समाज बनाते जा रहे। अब तो तर्क किताबें ऐसी आ रही हैं कि धर्म विहीन हो जाए। असल में जैसे सौदा बेचने वाले अपने सौदा के लिए महिमा गाते हैं, ऐसे ही भ्रष्ट लोग ऐसा मन बनाते हैं कि उनको भी वासना पूर्ति का मौका मिलता रहे। जब अपनी अंदर वासनाएं होती हैं तो हम उसी तरह की प्रेरणा देते हैं। इसलिए एक बात है कि आप परमात्मा का नाम सुमिरन करते करते समाधि में जाओ, समाधि चले जाओगे, कठिन नहीं है। और अभी 5 मिनट नाम जपने के बाद छुट्टी, अभी। हाँ, एक बार अपने पैर को, आसन को बदल लो। जिस तरह बैठे हो हूबहू ऐसे नहीं बैठे रहो, थोड़ा बदल लो, थोड़ा ऐसे ऐसे करके वो खून चल जाएगा, नहीं वो खून जम जाता है। लोगों का खून हाँ थोड़ा चल पड़े, सक्रिय हो जाए। तो अब आप आंख बंद करो और आप अपनी दृष्टि, ये जो आगे है ये गोलक है, ये आंख नहीं है, आंख बंद करो, फिर भी भीतर से जागो और बिल्कुल आंख में सट जाओ। पूरा ध्यान, पूरी चेतना आप अपनी आंख की पुतली पर ले आओ। जैसे तुम आंख की पुतली पर आ गए, और ये ख्याल करो कि तुम चेतन हो आंख में। यदि तुम सोए होते तो आंख का पता चलता। पूरा ध्यान आंख पर ले आओ, ये ध्यान करो कि मैं चेतन हूं, ध्यान करो कि मैं आंख में चेतन हूं। आंख बंद है, पुतली स्थिर है या हिलती है, आंख की पुतली का अनुभव करो। पलक बंद कर लो, आंख की पुतली चाहे तो हिलाओ चाहे स्थिर करो, पर खोल के नहीं हिलाओ। बंद आंख रखते हुए जरा पुतली को हिला कर देखो, शायद तुम हिला ना पाओ। अपनी आंख की काली पुतली को बंद रखते हुए हिलाने की कोशिश करो, कभी दाएं कभी बाएं,
कभी ऊपर कभी नीचे, पुतली हिलाओ, और पुतली हिलाने वाले तुम कौन? तुम अपने ध्यान को पुतली में रखो, इस काली काली आंखों में जागो, सजग रहो, चेतन रहो। और देखो, एक है शरीर, शरीर में ही है रखी आंख, और आंख के पीछे तुम बैठे हो, आंख के पीछे तुम। धीरे धीरे श्वास पर, नाक के छेद से श्वास ऊपर जाती है और नीचे आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मृत्यु के समय प्रणव का, ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को भ्रूव मध्य में, दोनों भावों के बीच मस्तक पर श्वास को खींच कर रोक ले। अब आप अपनी आंखों के पास जागे रहकर श्वासों को खींच कर भ्रूव मध्य में, दोनों भावों के बीच में श्वास को खींच कर सिर में रोको, थोड़ी देर के बाद छोड़ो और जागते रहो, सजग रहो, माने तुम चेतन रहो। चेतन दो हैं, जो जगता सोता है, एकाग्र होता है, चलता है, हिलता है, और एक चेतन अचल है। दो चेतन है, तदेजत तन्नेजत, वो चलता है वो नहीं चलता, वो एक जगह है वो सब जगह है, वो अनेक है और वो एक है। ये जो मन में प्रकट होता है ये अनेक है, पर एक जिससे ये प्रकट होता है वो एक है। ये जगता सोता है, ये स्थिर हो सकता है, ये चंचल हो सकता है, तो जो चलता है उसे स्थिर करो, जो चलता है उसे स्थिर करो। स्थिर को स्थिर करने की जरूरत नहीं है, स्थिर को तो स्थिर पहचानना है। बहुत अच्छे, एक बार आप सारे शरीर में घूमो, पूरे शरीर में, बाहर मत घूमो, पूरे शरीर में घूमो, शरीर के बाहर न घूमकर शरीर के भीतर। श्वास चल रही है, पेट कहाँ है, पैर कहाँ है, भीतर से, शरीर के भीतर से, शरीर के भीतर घूमो, टहलो, कभी हाथ की उंगलियों में, कभी कान के छेद में, कभी आंखों में, कभी होठों में, रसना में, कभी त्वचा में, और कभी शरीर की नस नाड़ियों में, कभी शरीर में होने वाली पीड़ा में, और फिर अंत में श्वास में। अभी श्वास का अनुभव, श्वास भीतर जाती है फिर लौटती है, भीतर जाती है फिर लौटती है, शरीर रूपी गुब्बारे में श्वास भर जाती है, श्वास निकल जाती है, और तुम श्वास को जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो। श्वास देखी नहीं जाती, सब चीजें देखी नहीं जाती, सुगंध देखी नहीं जाती, फूल देखे जाते हैं, गंदगी देखी जाती है, पर गंदगी दुर्गंध देखी नहीं जाती, नाक से मालूम पड़ती। इसी तरह से श्वास चलती देखी नहीं जा सकती, अनुभव होती है श्वास चल रही है। और मन कहाँ है? श्वास में है, कब और कहीं चला जाता है, कब आंख में आया, कब कान में आया, कब पीठ में, कब पैर में, कब नस नाड़ियों में, कब श्वास में। मन को ढूंढो, मन कहाँ है, और अंत में अनुभव करो कि मन को मैं जानता हूं। मन कहाँ है? रुक गया। मन का साक्षी, बुद्धि का साक्षी, साक्षी होना लोग नहीं जानते। क्या ख्याल उठा, क्या इच्छा हुई, मन कहाँ ठहरा, मन कहाँ गया, साक्षी रह के जानो, साक्षी हो जाओ। तुम शरीर, शरीर है, पर शरीर अकेला नहीं, तुम भी हो। इंद्रियां हैं, पर तुम भी हो। मन है, तुम भी हो। मन तो है, मन जान जाओगे कहाँ है, पर जिसने जाना मन यहाँ है वो कहाँ रहता है? तो पहला ख्याल आएगा, जहां मन वहीं रहता है। यदि मन श्वास में है तो मैं श्वास में हूं, मन कान में है तो मैं कान में हूं, मन आंख में है तो मैं आंख में हूं, और
एक सेकंड को यदि मन नहीं है तो मैं बिना मन का हूं, बिना मन का मैं हूं। और यदि मन व्यापक हो जाए, मन बाहर हो जाए तो बाहर मैं हूं, मन भीतर हो जाए तो भीतर मैं हूं, मैं सर्वरूप हो जाए तो सब मैं हूं, और मन लीन हो जाए तो संकल्प विकल्प रहित मैं हूं। ये मैं और मैं, ये अभी सोचने वाली जो बुद्धि है, ये सोती भी है, जगती भी है। यही देह सोचती है कि मैं देह हूं, यही सोच सकती है कि मैं चैतन्य आत्मा हूं। सोचने का काम इस बुद्धि से होगा।